बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी तवा चिकन। ये सिर्फ 10 से 15 मिनट में रेडी होने वाली रेसिपी है, इसलिए आप इसे इफ्तार डिनर में और सहरी में दोनों में शामिल कर सकते हैं। तो चलें अपना टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। क्योंकि ये तवा चिकन है इसलिए हम इसे तवे पर रेडी करेंगे। यहाँ पर मैं 1/4 कप कुकिंग ऑयल ले रही हूँ, लेकिन अगर आप घी इस्तेमाल करना चाहते हैं इसकी जगह पर तो आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे साबुत सफ़ेद ज़ीरा, ये मैंने यहाँ पे आधा चम्मच लिया है। इसको हम चंद सेकंड के लिए भूनेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन, यहाँ पर मैं देसी लहसुन यूज़ कर रही हूँ और 2 चम्मच के हिसाब से लिया है मैंने। लहसुन को मैंने गोलाई के रूप बारीक बारीक कतलों में काट लिया था। इसको कूटना नहीं है आपने बल्कि काटना है। लहसुन को कभी भी ज़्यादा मत भूना करें कि उसका कलर ही चेंज हो जाए, इस तरह उसकी सारी गजाइत ख़त्म हो जाती है। जब लहसुन में से अच्छी सी खुशबू आने लगे तो इसमें हम चिकन ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं आधा किलो चिकन ले रही हूँ और बोनलेस है ये। अगर आप चाहें तो हड्डी वाला चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप तवे में पकाना ईजी ना फील करें तो आप इसे हांडी में या फ्राइंग पैन में भी पका सकते हैं। मैं रूटीन में इसे फ्राइंग पैन में ही रेडी करती हूँ, लेकिन आज मैं इसे तवे पर रेडी कर रही हूँ। जब तक चिकन का हल्का सा कलर चेंज नहीं हो जाएगा हम इसमें कोई भी मसाला ऐड नहीं करेंगे। 3 से 4 मिनट गुजरने के बाद आप देख सकते हैं चिकन ने अपना कलर चेंज करना शुरू कर दिया है। अब हम इसे 2 से 3 मिनट तक मज़ीद भूनेंगे और इसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। उसके लिए हम लेंगे 1 चम्मच से थोड़ा सा कम नमक, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच खुश्क धनिया पाउडर और 1 चम्मच के करीब ही हम इसमें कुटी हुई सुरख मिर्च लेंगे। इन सबको हम चिकन में ऐड करेंगे और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे। आपने गौर किया होगा हमने इसमें बहुत ही कम और बेसिक मसाले डाले हैं। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ टमाटर डालेंगे। यहाँ पे मैंने 1 टमाटर यूज़ किया है मीडियम साइज़ का। मैं हमेशा से बताती आई हूँ कि टमाटर को हमेशा उसका छिलका उतार के इस्तेमाल किया करें। टमाटर का छिलका हमारी किडनी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। अब हम इसे तब तक भुनेंगे जब तक कि इसमें टमाटर बिल्कुल नरम नहीं हो जाते। ये बिल्कुल ढाबा स्टाइल की तवा चिकन की रेसिपी है। आपके फ्रीजर में सिर्फ बोनलेस चिकन का होना ज़रूरी है और जब भी आपको भूख लगे इसे डिफ्रॉस्ट करें और 15 से 20 मिनट में आपका तवा चिकन रेडी है। आप देख सकते हैं 4 से 5 मिनट गुजरने के बाद टमाटर मुकम्मल तौर पर गल चुके हैं। अब मैंने इसमें 1/4 कप के हिसाब से दही ऐड किया है। दही को ऐड करने से पहले इसे अच्छी तरह से फेंट लिया करें, वरना इसकी फुटकड़ियाँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं इसमें। और दही को हमेशा ऐड करते ही फौरन इसमें चम्मच हिलाया करें। अगर आपने दही फेंटा भी होगा और अगर आप चम्मच इसमें नहीं हिलाएंगे तो उससे भी इसमें फुटकड़ियाँ बन जाती हैं। चूल्हे की आंच को मैंने मीडियम टू हाई पर रखा हुआ है। अब दही का पानी खुश्क होने तक इसे भुनेंगे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये अभी से ही बहुत ही टेस्टी लुक दे रहा है। 3 से 4 मिनट में दही का पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे। मैं यहाँ पर घर के दूध की बलाई यूज़ कर रही हूँ, 1/4 कप है ये। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप डब्बे की क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। गाय के दूध की बलाई को मैंने हैंड विस्क से अच्छी तरह से बीट कर लिया था और ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती है इसमें। चिकन क्योंकि बोनलेस था इसलिए ये मुकम्मल तौर पर गल चुका है। अब हम इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस ये बलाई अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और चूल्हे की आँच को स्लो कर देंगे। एंड पर इसमें हम लंबे टुकड़ों में कटी हुई सब्ज़ मिर्च ऐड करेंगे और चूल्हे की आंच को बंद कर देंगे। अगर आपके पास सब्ज़ धनिया है तो इसे बारीक काट के वो भी इस पे ऐड कर सकते हैं आप। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तवा चिकन बिल्कुल रेडी है। इसे गार्निश करने के लिए आप इस पे जूलियन कट में अदरक भी रख सकते हैं और इस तरह से जो फ्लावर का तरीका मैं आपको सिखा चुकी हूँ वो भी रख सकते हैं। अल्लाह आप सबका दस्तखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। अल्लाह हम सबको ज़मीनी और आसमानी हर तरह की आफत से महफूज रखे और हम सबको रमज़ान की बरकतों से भरपूर फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।